वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ जनरल स्टडीज विद राघवेंद्र राजपूत। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन की क्लास में इसमें 31 क्वेश्चन सिलेक्ट हैं। इन 31 क्वेश्चन को इतने बारीकी से सिलेक्ट किया गया है ढूंढ करके कि हर परीक्षा में इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। अगर तारीख की बात करता है तो वो 17 मई थी। अगर बात की जाती है कि किनके किनके बीच लड़ी गई थी, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। किनके? शेर शाह सूरी बनाम किसके खिलाफ लड़ी गई? शेर शाह सूरी और हुमायूं। पूछ दिया जाता है कि इसमें विजयी कौन रहा था, तो शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। अगर विजयी हुआ तो इसने फिर क्या किया? विजयी हुआ इसके बाद में इसने आगरा और दिल्ली दोनों पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोती मस्जिद विश्व धरोहर स्थलों में से किनमें स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है वो इनमें से किनमें स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये स्थित है दिल्ली के लाल किला परिसर में। ठीक है, कहाँ? लाल किला परिसर। कौन से लाल किला परिसर? दिल्ली लाल किला परिसर। अगर पूछ देता है कि इसको, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। किसके द्वारा बनवाई गई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा ये बनवाई गई थी। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब की बात करेंगे, इसके द्वारा ये बनवाई गई थी। और आगरा में भी इसी नाम से मस्जिद है, मोती मस्जिद। लेकिन आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो बनवाई गई थी शाहजहाँ के द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी नाम से एक मोती मस्जिद आगरा में भी है और वो भी आगरा के किले में है। ठीक है, अगला। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन के साथ ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। ये कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1838 में हुआ था। और 1866 में ये इन्होंने एक और स्थापना की थी। वो क्या स्थापना की थी? भारतीय ब्रह्म समाज। इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हम आपके लिए करके चलेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन जरूर 31 हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन तैयार हों। ठीक है, और 1870 की बात करें, ये इंग्लैंड गए, यही 1870 जो भी लिखी हुई है, जहाँ पर इन्होंने धर्म सुधार पर भारतीय समाज का उल्लेख किया। नेक्स्ट है प्रथम प्रथम हूड आक्रमण कब हुआ? तो प्रथम हूड आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। कब हुआ था? 458 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और हूड हैं क्या? ये मध्य एशिया के कौन थे? मध्य एशिया से आए थे। एक खानाबदोश जाति थी। ठीक है, कैसी जाति थी? खानाबदोश। और सबसे ज़्यादा बर्बर गिनी जाती थी, ज़्यादातर मतलब अलग से इनका सिस्टम था, थोड़ी सीधी जाति नहीं थी। और भारत पर इन्होंने जब पहला आक्रमण किया था तो वो कहाँ किया था? 458 ईस्वी में। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इस आक्रमण का नेतृत्व किया था तोरमाड़ ने। किसने? तोरमाड़ ने किया था इसका आक्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। नाइट सफारी जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है
संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ 9 दिसंबर 1946 की बात है। तारीख पूछ दी जाए तो 9 दिसंबर 1946 की बात है। हमने संविधान के वीडियो में इसको बताया, विधिवत जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की उसी में इनको चुना गया था। और 1946 11 दिसंबर की जब बात करेंगे, राज्य की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्य अपने राज्य की राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 250 है। राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है? अगर बात आती है तो हम लिखेंगे ऊपरी सदन है। कौन सा है? ऊपरी सदन है। लोकसभा कौन सा सदन है? वो निचला सदन है। और सदस्य संख्या की बात करेंगे तो सदस्य संख्या कितनी है? 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है, द्विसदनीय विधायिका जो होती है इसमें दो सदन, द्विसदनीय व्यवस्था उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका के दो सदन होते हैं। ठीक है, दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, प्राथमिक द्वितीय कानून इसमें तो भाई निचली, हाँ ये दिया है निचला और ऊपरी सदन। ये निचला सदन होता है लोकसभा और ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, यही द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय यानी दो सदन। ठीक है, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी पूछी जा रही है हमसे, तो फिनलैंड की राजधानी भाई बताइए कौन सी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। ताशकंद की राजधानी है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। बर्न, बर्न की राजधानी है स्विट्जरलैंड, सॉरी बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ताश, ये क्या है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की है। और डबलिन, डबलिन राजधानी किसकी है? आयरलैंड की, आयरलैंड की। ठीक है, चारों राजधानियां आपको बता दी हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर, धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर जाता है तो सूर्य पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, ये पृथ्वी रही, और पृथ्वी जब ऐसी गति करेगी तो सूर्य हमें इधर जाता हुआ दिखाई देगा, इस तरफ की ओर। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग परिवर्तन की दर, ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा बल के साथ। बल के साथ क्यों जाएगा हम बता दें, संवेग परिवर्तन की दर होती है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, बराबर होता है एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू ए, और एम इंटू ए होता है एफ, एफ बराबर एम इंटू ए होता है एफ होता है बल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो गलनांक की बात करेंगे, जिंक का गलनांक यहाँ पर ब्रोमीन, जिंक, लेड, कैल्शियम, ठीक है इतने दिए हैं। तो ब्रोमीन का गलनांक होता है 265.8 के, कितना होता है 265.8 केल्विन। इसके बाद में जिंक का होता है 692.68 केल्विन। इसके बाद में जो लेड, लेड यानी सीसा, लेड का होता है, लेड नहीं ये लेड है, लेड में सीसा, लेड का होता है 600.61 केल्विन। अब बचा कैल्शियम, कैल्शियम का होता है
1115 केल्विन सबसे अधिक इसमें यही गया है, सबसे अधिक गया है। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम का क्या गया, ब्रोमीन, सबसे कम क्या गया, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन पाया, प्रोटीन बनाया जाता है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर खोज की बात की जाए राइबोसोम की, तो इनकी पायलट ने खोज की थी, किसने की थी, पायलट, राइबोसोम की खोज पायलट ने की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक रस भरे होते हैं, पाचक विकर भरे होते हैं, क्या होते हैं, पाचक एंजाइम, और जब ये पाचक एंजाइम जब ये थैली फट जाती है तो इस खुद को पचा जाती है, इसीलिए इसको गोल्जी अपैरेटस, जो केंद्र के आसपास आपने इस तरीके से लगी हुई संरचनाएं देखी हैं, ऊपर ऊपर होता है स्मूथ एंडो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हो गया रेटिकुलम, और गोल्जी अपैरेटस जो इस तरीके से स्टर्नी और नलिकाएं पड़ी होती हैं कोशिका द्रव्य में, वो होता है गोल्जी अपैरेटस। इसकी गोल्जी अपैरेटस खोज किसने की थी, गोल्जी काय, सॉरी गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी अपैरेटस रखा गया है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है, देखिए क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, क्या होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, ठीक है। तो ये शुरुआत की है नई दिल्ली, नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ये की गई थी 6 जुलाई 2022 को, ये शुरुआत की गई थी दिल्ली के, किसके द्वारा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा आगरा, कहाँ स्थित है, कौन सा वेद, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, धार्मिक अनुष्ठानों की बात करते हैं तो यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, इसका अर्थ होता है यजुर्वेद अर्थात यज्ञ या कर्मकांड वाला वेद, ठीक है। और यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना, तो ये हुआ था, ये ऑप्शन चला जाएगा लखनऊ समझौते के साथ, किसके साथ, लखनऊ समझौते के साथ, ये हुआ था 1916, महीना दिसंबर था, दिसंबर 1916 में कांग्रेस का जो 31वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ देता है तो अंबिका चरण मजमूदार की बात करेंगे, क्या करेंगे, मजमूदार की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव गुफा कहाँ स्थित है, शिव गुफा एलिफंटा की गुफाओं में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित हैं शिव गुफाएं, और ये हैं कहाँ, स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित हैं। पौराणिक जो देवता हैं उनकी अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पर कितनी गुफाओं की संख्या है, गुफाओं की संख्या 7 है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, शिवमूर्ति गुफा है, ठीक है। और निर्माण इसका किसके द्वारा किया गया, ये भी बात है, राष्ट्रकूटों के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में देखिए सीटों की संख्या है 31, और अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा सीटों की संख्या निर्धारित करता है, इसके तहत पूरे भारत में कितनी, 250 अधिकतम हो सकती हैं, अभी हम बता चुके हैं पीछे, और वर्तमान में कितनी है, 245 हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट है,
कुछ और हम प्रदेशों की बता दें, पश्चिम बंगाल की कितनी है? पश्चिम बंगाल में है 16 जो ये दी गई हैं, और ये 12 दी गई हैं ये कर्नाटक की दी गई हैं, ठीक है, और 18 जो दी गई हैं ये तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, और महाभियोग लगा करके संसद के द्वारा, सांसद नहीं, ये सांसद की जगह पर क्या होना चाहिए, संसद, संसद, संसद के द्वारा हटाया जाता है। 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दी जाती है। हमने आपको संविधान की वीडियो में विधिवत इसको पढ़ाया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, क्या है राजधानी? लिस्बन। और मिस्क, मिस्क जो है वो बेलारूस की राजधानी है, किसकी है? बेलारूस। आपने अभी बेलारूस का नाम खूब चर्चित रहा, सुना होगा, बेलारूस की राजधानी है वियना। आप सबको पता है वियना ऑस्ट्रिया के साथ जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। व्यूनस आर्यस अर्जेंटीना, ठीक है, चारों राजधानियां आपको बता दी हैं। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रक जर्क, भौतिक मात्रक जर्क किसकी इकाई है? ये जर्क की इकाई क्या है? अच्छा, ये बात पूछ रहा है, जर्क की इकाई तो मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड घन है। क्यों? ये त्वरण परिवर्तन की दर होता है, त्वरण परिवर्तन की दर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी शरीर के भार W को किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? शरीर का भार, पिंड का भार, तो W बराबर mg होता है, W बराबर mg यानी द्रव्यमान और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं, ये जो है इनकी 20,000 के लगभग हर्ट्ज आवृत्ति होती है, इसलिए जो मनुष्य को सुनाई नहीं पड़ती हैं, और जब मनुष्य की श्रवण शक्ति कितनी है, कुल 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है, अतः इनको ध्रुवित नहीं किया सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? आपको चार धातुएं दी गई हैं, तत्व जो हैं चार दिए गए हैं, इन चार तत्वों में सबसे कम गलनांक पूछा गया किसका है, तो सबसे कम गलनांक है जेनान का, जेनान का गलनांक होता है -111.75 डिग्री सेल्सियस, आयोडीन का होता है 113.7 डिग्री सेल्सियस, बेरियम का होता है 727 डिग्री सेल्सियस, और मैग्नीशियम का होता है 650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉरी माइनस नहीं, इसका जो है 111 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च वनस्पति जगत में जो पिपली कुल होता है उसके मिर्च पिपली नामक जो लता होती है उसका 12-मासी पौधा होता है, जिसके अधपके और सूखे फल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? काली मिर्च कहते हैं। देखा आपने, काली मिर्च सिकुड़ जैसी जाती है, ठीक है, और इसके पौधे को क्या कहते हैं? भेल कहते हैं। महात्मा गांधी की रामराज की संकल्पना क्या थी? राज्यविहीन समाज। उन्होंने संकल्पना की थी कि राज्य क्या कहो उससे शोषण होगा, तो उन्होंने कहा था राज्यविहीन समाज जो हो, यही रामराज की संकल्पना है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण, ये विवरण नहीं, ये है वितरण, वितरण, आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। अगला है, भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था बिहार में, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। किसने किया था? 30 अप्रैल 2022 की बात है, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको किया था। चलिए, ये 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।